भिक्षु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता। वह आता दो टूक कलेजी को करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिचाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टूक कलेजी के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ऊंट जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। निराला जी की प्रगतिवादी रचना है, जिसमें कवि भिक्षुक की दयनीय और करुण दशा को देखकर दुखी और आहत है, के लिए आतुर है। भूख से बेहाल और बेचैन होकर वे अपने आत्म सम्मान का परित्याग कर फेंकी हुई जूठी पत्तल उठाकर चाटने को मजबूर है। उनके भाग्य में जूठी पत्तल भी नहीं है, कुत्ते भी उनसे उन जूठी पत्तल को छीनने के लिए तत्पर है। कवि भिक्षुक कविता के माध्यम से पूंजीपति और पढ़े लिखे व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं कि उन्हें आगे बढ़कर समाज के उन साधनहीन वर्गों की दशा सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।